उर्दू बाजार में मजदूरी करने वाले दो ऐसे नौजवान जो कि रातों रात वायरल हो गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? मैं ठीक हूं, आप सुनाएं। कौन बड़ा है, कौन पहले है, कौन बाद में है? देखिए ना, ये मैं हूँ, मेरे साथ भी मैं हूँ और इन्होंने मुझे घुमा दिया। आप इस तरीके से लोगों को भी तंग करते होंगे? लोग बहुत तंग करते हैं हमारे से, बहुत ज्यादा फ्रैंक हमारे बहुत चलते हैं। सोशल मीडिया को किस तरीके से अपनी लाइफ में इन किया? बहुत से लड़के रखे, ये कौन से लड़के रखे हैं? मैंने ऊपर माल लेने भेजा, ये अब मेरी बात नहीं। तुम हमारे से कस्टमर माल लेके इनके पास आता है तो वो कहता है यार मैंने अभी तुम्हें उधर देखा है, तुम इधर आ गए हो। जो 12 घंटे ड्यूटी है, अपने जान पे खेल के ड्यूटी देते हैं। कि आप लोगों में से बड़ा कौन है? ये अब नर्सें जानती हैं अस्पताल में। कि आप वायरल कैसे हुए? लोग उधर आ गए, ये आ कहां से गए? मैं कभी कभी अल्लाह के अगर आगे रो गए ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह अगर पैदा इकट्ठा किया था फैमिली ने मौत में। चले जी, मुश्किल काम करने जा रहे हैं, मजीद जो आगे इरादा किया है वो भी खासा मुश्किल है, दिल लगी होनी चाहिए, मेहनत करता रहे ना। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एच श्याम अली और आप देख रहे हैं न्यू प्लस। नाज़रीन, आज हम एक ऐसी स्टोरी आपके लिए लेके आए हैं, उर्दू बाजार में मजदूरी करने वाले दो ऐसे नौजवान जो कि रातों रात वायरल हो गए। आइए हम उनसे मिलवाते हैं आपको और जानते हैं उनकी स्टोरी उन्हीं की जबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? मैं ठीक हूं, आप सुनाएं। ये तो बोल भी भाई एक जैसा रहे, वेरी कंफ्यूज। तो आप जरा नाम बता दें अपना, थोड़ी हमारी कंफ्यूजन दूर कर दें, नाजरीन की भी कंफ्यूजन दूर करें। मेरा नाम उमर है, इसका नाम अहमद है। नाजरीन, मैं तो बड़ा कंफ्यूज हो गया इनके चक्कर में। सलाम दुआ किए और सलाम दुआ में इन लोगों ने पकड़े घुमा दिया मुझे। तो आइए अब हम हमसे बात करें, इत्मीनान से इससे करनी बात आप ही से करनी है, पहले भी आपसे की है। क्या हो गया, पक्का ले आप कंफर्म है? आज बैठ से कंफ्यूज हो रहे हैं आप। ये रिप्लेस हो गए और ये जो ना मुझे घुमा रहे, तो बैठे जरा हमें बताएं। जी तो नाज़रीन को बताया जाए कि आपकी एज क्या है। 20 एज है हमारी। 20 एज है आपकी भी? 20 है जी। 20 एज है। तो दोनों में से बड़ा कौन है? दोनों बराबर है। ट्विन्स हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि दोनों बराबर होंगे। एक जो है कुछ मिनट पहले आया होगा, एक कुछ मिनट के बाद आया होगा। तो जरा बताएंगे कौन बड़ा है, कौन पहले है, कौन बाद में आया? देखिए ना, ये मैं हूँ, मेरे साथ भी मैं हूँ, छोटे बड़े की बात ही नहीं है। नाज़रीन, इन्होंने बड़ा सताव मारा है, मेरा तो अभी स्टार्ट हुआ है और इन्होंने मुझे घुमा दिया। तो अब आपने जब बात एक साथ करनी तो मेहरबानी करके एक तरफ ही आके बैठ जाए, आ जाए। कंफ्यूज कर दिया मुझे इन्होंने, मुझे इन्होंने कर दिया खासा कंफ्यूज। आपको ऐसे तंग कर दें, आप अभी से तंग आ गए हैं। तो आप तो इस तरीके से लोगों को भी तंग करते होंगे? लोग बहुत तंग करते हैं हमारे से, बहुत ज्यादा फ्रैंक हमारे बहुत चलते हैं। जी तो नाज़रीन को बताएं आप कौन से गांव से हैं? हम गांव शेरों के से। हमारा गांव शेरों के है, आई थिंक फरुखाबाद के पास। फरुखाबाद के पास। फरुखाबाद के पास से। और बताएंगे कितना टाइम हो गया आप लोगों को लाहौर में आए हुए? हमें लाहौर में, वैसे हम बेसिकली लाहौर से हैं, हमारी मतलब हमारी पैदाइश, हमारी परवरिश लाहौर से है। लेकिन मेरे बाबा के कुछ इस तरह के मतलब के वाले साहब हार्ट अटैक हुए थे, वालदा भी बीमार है, जिसकी वजह से हम बेरोजगारी समय ले जो भी हम गांव वापस चले गए थे, क्योंकि वहाँ यहाँ लाट वहाँ ठीक होते हैं, बंदे का मतलब के ज़िंदगी अच्छी तरीके से बसर कर लेता है बंदा। तो फिर दोबारा अब देखा कि मतलब के वालद साहब ज़्यादा बीमार हैं, तो 2020 में हम जो है ना दोबारा इरादा किया, दोनों भाई जॉब पर आ गए। तो इस वक्त वालदैन जो हैं आपके गांव में ही हैं, यहाँ पे आपके साथ हैं? फैमिली हमारी जो है वो गांव में और हम लाहौर में रहते हैं, और इंशाल्लाह पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपने घर वालों को सरप्राइज़ दे रहे हैं कि इसी साल में लाहौर में लेके आए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों को तरक्की दे। और अभी भी आप लोग मजदूरी करते हैं? अभी भी मजदूरी, थोड़ा सा सुकून वैसे मिल गया, आगे से थोड़ा सा बेहतर हुआ है और इंशाल्लाह आगे आगे भी मेरा अल्लाह करम करेगा। जैसे लोग हमें सपोर्ट करेंगे, अभी लोग बनाते हैं और लोगों का प्यार मिलेगा। हाँ जी, तो ये बताएं कि डेफिनेटली आप लोग जो है YouTube के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए आप लोग जो है फेमस हुए हैं, तो ये भी बताते चले कि आप लोगों ने किस तरीके से मेहनत की। एक तो मजदूरी आप लोगों ने की ही है, उसके साथ साथ आप लोगों ने सोशल मीडिया को किस तरीके से अपनी लाइफ में इन किया है और किस तरीके से उसको आप लोगों ने कंटिन्यू किया? ऐसे ही देखें ना, आपको पता लाहौर है तो हम, जैसे मैंने पहले भी बताया कि हम पार्कों वगैरह में जाते थे, ठीक है, वहाँ पर देखा कि मिलियंस वाले लोग जो है चल रहे हैं, मिल रहे हैं, कोई उनकी तरफ उनको मुंह भी नहीं लगा रहा, और हम दोनों भाई हैं, साथ एक दोस्त से लगा गैदरिंग में निकले हैं, तो लोग हमारे साथ वीडियोस बना रहे हैं। जब हमारा 0 फॉलोवर था, कुछ भी नहीं, हमारा आईडी, मेरे यूट्यूब चैनल भी नहीं था, आईडी भी नहीं थी, हमने देखा यार इतना अच्छा खास मोबाइल भी था पास है, 8-10 हज़ार वाला मोबाइल होगा, हमने देखा यार ये लोग वीडियोज़ बना रहे हैं कि हमें इतना क्या खास है, देखा कि गॉड गिफ्टेड है, शुक्र है शुरू से ब्रांड है, मतलब मेरे वाले साहब ने, वालदा ने शुरू से हमें सेम ड्रेसिंग करवाई है, मेरे पास एल्बम बने हुए हैं, ठीक है। तो फिर हमने आपको पहचाना शुरू किया, उसका फ़ायदा भी उठाया, हमने देखा कि लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हैं जैसे आप कन्फ्यूज़ हो गए हैं।
बड़ा मजा आ रहा है, लोगों को बहुत तंग कर रहे हैं, बच कर रहे हैं हमसे। इतने तो हम पब्लिक प्रैंक नहीं किए हैं, इतनी वीडियो शूट नहीं की थी जितने में ऐसे लोग ऑफ कैमरा लोग हमसे कंफ्यूज होते हैं। लोग कंफ्यूज होते हैं, आप जहां पे काम करते रहे वहां पे भी आपके साथ ये मामला होंगे बहुत ज्यादा। मतलब लोग पहले तो हम इकट्ठे थे ठीक है, वहां पे मैंने क्या कहते हैं बहुत मैंने देखा इस तरह का वक्त है, आपको पता है मजदूरी इतनी आसानी से नहीं होती, खून पसीना करना पड़ता है। एक कस्टमर मेरे पास आया, मुझे बिल वगैरह दिया, तो वो जो बिल का जो लोडिंग बना था ना वो किसी और का काम था, लेकिन लड़का गायब था, मैं खुद चला गया, करना पड़ता है। मैं गया उसको जो चौथी मंजिल से नीचे, मैं जो है ना माल दे रहा हूँ, फिर ऊपर जा रहा हूँ, माल दे रहा हूँ ऊपर जा रहा हूँ। अब मैं ऊपर हूँ, अहमद नीचे है, और लड़का मैं ऊपर जाता हूँ टाइम तो लगता है ऊपर नीचे आने में। मेरा दूसरा भाई नीचे चल फिर रहा, उसने देखा ये लड़का नीचे है, कस्टमर कहता आपका मैंने जाना है आपका लड़का जो माल लेने गया वो नीचे फिर है, ये क्या बात है। बड़े बोल से कहता है ये कौन से लड़के रखे हैं, मैंने ऊपर माल लेने भेजा, ये अब मेरी बात नहीं सुन रहा है। तो पहले तो मेरा जो बोस है ना गुस्सा हुआ मुझे, जब तुमने क्या किया, मैंने कहा देखो मैं नहीं था वो अहमद है ठीक है। तो जब मैंने इस तरह देखा कि मेरा रोना आ गया, लगा यार इतना वजन मैंने सर पर उठाया, मैंने उसको कहा मैंने यार तुमने क्या किया, तुम मेरे से बात करो, मेरे भाई से बात करो, चलो उसे खड़ा करके पूछो। बड़ी सिचुएशन देखी है, फिर वेरी सैड, मतलब कि ये एक इमोशनल सीन था। मैं तो वैसे इस बात पे हंस रहा था, पहले डेफिनेटली हंसी आनी थी, लेकिन मालिक ने डांटा और आई थिंक सो उसके ऊपर पनिशमेंट भी कोई ना कोई छोटी मोटी दी होगी। वो जॉब से आउट कर दिया मुझे, आउट हो गया, अब अलहदा लहदा है, अब पंगे वो ही है, लेकिन किक आउट कर दिया गया था, लेकिन अब अलहदा लहदा, पहले एक ही दुकान पे काम, एक ही दुकान पे काम करते थे हम। और इसी तरह फिर अभी भी यही हिसाब है, मतलब कि मार्केट माड़ी है, क्या उर्दू बाजार में काम करते हैं लेकिन शॉप अलहदा लहदा है, वहाँ से लोग आते हैं इस तरह इसकी तरफ आगे कहते हैं वहाँ से छोड़ा है, मुझे कहते हैं वहाँ से छोड़ा है, बस एक दो दिन एक महीने में नहीं, रोज का यही काम है। क्योंकि कस्टमर हमारे जो ना हम कागज सेल करते हैं जो ड्रीम होते हैं बड़े, आगे बुक बनती है, बुक इनके पास बनती है, तो हमारे से कस्टमर माल लेके इनके पास आता है तो वो कहता है यार मैंने अभी तुम्हें उधर देखा है, तुम इधर आ गए हो। यार वैसे इनकी काफी फनी स्टोरी है, और जरा बताते चलें कि इस वक्त जो है आप लोगों का क्या लाइफ स्टाइल है, कहाँ पे रह रहे हैं और क्या कुछ चल रहा है आप लोगों के साथ, इस मजदूरी के साथ साथ आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं ज़रा नाज़रीन को बताते चलें। इतना फेमस आप लोग हो चुके हैं, मुख्तलिफ चैनल्स आप लोगों के पास आ रहे हैं, हम भी आप लोगों के पास आए हैं चल के, साथ ही साथ आप लोग जो है ताबिश हाशमी के शो में भी आप लोग बैठे हैं। ताबिश हाशमी के शो आगे भी इंशाल्लाह और ज़्यादा ऑफर्स आई हैं, लेकिन आपको पता है जॉब वगैरह डेली रूटीन हमारी यही है कि देखिए अभी भी टाइम काफ़ी हो गया, अभी भी अपनी हिम्मत नहीं आ रही, अगर हम जाएंगे जाकर यूट्यूब पर लाइव बैठेंगे, टिकटॉक पर लाइव बैठेंगे, सुबह फर्स्ट टाइम उठते हैं या साथ ही पार्क है नासिर बाग, लोगों को पता होगा वहाँ पर व्लॉग करते हैं, व्लॉग करने के बाद हमें नाश्ता करना है, फिर जॉब पर आते हैं, जो 12 घंटे ड्यूटी है, तो हमें पता है हम कैसे अपने जान पे खेल के हम ड्यूटी देते हैं, वो तो पक्की है ना 12 घंटे ठीक है। जॉब के दौरान में कभी कभी दाल खा लेता हूँ, शायद मेरा बॉस से भी लोग देख ले, शायद मेरा ये बॉस से ना मेरी बात सुन ले, तो मैं थोड़ा सा लुक के ना अपने व्लॉग को एडिट करता हूँ, हैंडफी लगा के यार व्लॉग एडिट हो जाए, अपलोड हो जाए, लोग प्यार दें। तो आप लोगों के बॉस आप लोगों के फैन नहीं हुए अभी तक? बॉस पहले नहीं थे मानते, अब फैन हो गए हैं, लेकिन आपको पता है कि कोई देख रहा है कि ये मेरे से नीचे ऊपर जा रहा है तो कोई बर्दाश्त नहीं करता है, ऊपर ऊपर से हंस के दिखा देते हैं, लेकिन असल बात मैं जानता हूँ। तो आप लोगों की जो ग्रोथ है अभी वो कहाँ तक पहुँची है, अर्निंग कहाँ तक पहुँची है, सोशल मीडिया से अर्निंग करना शुरू कर दीजिए, नाज़रीन आपकी बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं कि आप लोग बताएँ कि अर्निंग किस हद तक अर्निंग हुई है। डेफिनेटली आप लोग अपना एग्जैक्ट ना बताएँ पर राउंड अबाउट कुछ बताएँ, कुछ ना कुछ ऐसा कोई गेस्चर दे दें कि आप नाज़रीन को कुछ पता लग जाए। अर्निंग असल में इतनी अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, अल्लाह का हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। का टाइम है क्यों हमें डाकू करवा रहे हैं आपने? नहीं बात ये कि हम कहीं चले जाए ना, जैसे सज्जन मलिक के हम गए थे शो में, उसने हमें इनवाइट किया था, वो वहाँ लड़के हमें जानते थे, तो वो हमें पता क्या कह रहे थे यार भाई कौन सी गाड़ी में आए यार, ये कह रहे थे सही आप साहब लगे। शुक्र है अल्लाह का, फिर भी अभी इतना ही शुक्र है, लेकिन बहुत जल्द हम सरप्राइज दे रहे हैं। अच्छा जी, बहुत जल्दी से सरप्राइज मिलने वाला है, और ये फिर सरप्राइज देंगे तो बस फिर ये गई जॉब शॉप, तो मैं समझता हूँ जॉब तो गई भी रातों रात, फिर ट्रेंडिंग सोशल मीडिया पे इंशाल्लाह। तो अब मेरे साथ भी कोई आप लोगों ने वैसे काफ़ी तंग तो किया मुझे, मेरा एक सवाल अभी रहता है इनसे कि आप लोगों में से बड़ा कौन है और कितने मिनट बड़ा है वो भी बता दे जरा। ये अब नर्सें जान दी अस्पताल में, ये मैं हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, मैं सोच रहा हूँ कभी भी लोग करके आऊँ पूछ के आऊँ उनसे। वैसे मेरे भी कजन्स हैं छोटे छोटे, तो उनको छोटी छोटी कजन्स हैं, उनको पता होता है कि हम इतने मिनट बड़े हैं, तो बताते हैं कि भाई ये मेरे बाद में आई, ये 2 मिनट बाद आई, तो आपको नहीं बताया आपके वालदे? नहीं हमारा ज़्यादा फर्क तो नहीं, फर्क यही है वजन का फर्क है। जैसे रात के टाइम दूध हमें मामा जो होती है पिलाती हैं, सोने से पहले दूध पिया जाता है। हाँ सोने से पहले दूध पिया जाता है, तो ये पिया जाता था ये।
छोटे होते की बात बता रहे हैं कि जरा आप जरा कंफ्यूज हो गए। छोटे होते की बात बता रहे थे ये कि जब फीडर देने का टाइम आता था तो ये इसके फीडर जो है वो भी ये पी जाता था। असल में मसला ये है कि ना भाई मेरा छोटा है, मेरा छोटे समझ तू अपने से, तो इससे ना थोड़ा सा ना बोलने में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से हम ना थोड़ा सा ना समझ लेके कन्फ्यूज़ है। मैं इसकी थोड़ी प्रैक्टिस वगैरह करवाता रहता हूँ, मैं बड़ी मेहनत करूँ इसमें इंशाल्लाह ये भी बोलेगा, क्योंकि मैं देखता हूँ ज़्यादा कमेंट्स यही होते हैं कि उमर बोलता रहता है, अहमद ही बोलता है, तो मैं ये समझता हूँ एक भाई बोल रहा है ये बहुत है, जो मैंने कह लिया इसने कह लिया एक ही बात है। तो आप लोग पहचान लें उमर इस वक्त हमसे, आप लोग देख रहे हैं उमर इस वक्त हमसे बात कर रहा है, ज़्यादा बोलने वाला उमर है और कम बोलने वाला अहमद है, तो इस वक्त मेरे साथ उमर बैठा हुआ है। तो आप, हाँ जी, ये एक गैसियर मैंने दे दी आपको, तो कभी भी हमको मिले तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना है, देख लेना ये छोटा कौन है और बड़ा कौन। तो नाजरीन को ये बताएं, हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आप वायरल कैसे हुए हैं। ये देखें वायरल लोग उधर आ गए, ये आ कहाँ से गए, एकदम आ कैसे गए लोग, लोगों को ये लगता है कि रातों रात आ गए, हमारी पीछे भी बड़ी स्ट्रगल है, लेकिन वो ऑफ द कैमरा थे, हम प्रैक्टिस वगैरह करते थे आपस में एक दूसरे, देखो इसको मैं सामने खड़ा करता था ऐसे देखता जैसे शीशे में खड़ा हो गया, ठीक है। और ऐसे ही मतलब कि हमारी एक टिकटॉक की वीडियो वायरल हुई थी मिरर वाली, शीशे के सामने के ये खड़ा, फिर मैं खड़ा हूँ, मैं भी कैप सेट कर रहा हूँ, ये भी सेट कर रहा है, जब दो तीन हम इस तरह के कांधे में किए हम सब अलग अलग हो गए, तो नीचे कमेंट्स है कि हम तो कसम से शीशा समझ रहे थे, ठीक है। तो ऐसे ही मीडिया वाले ने हमें अप्रोच किया और रातों रात वीडियोज मिलियंस मिलियंस लाइन लग गई। क्या बात है, वैसे तो ट्विंस बहुत सारे होते हैं, अहमद मिनाल भी ट्विंस ही हैं जो एक्टर्स हैं, लेकिन जैसे ये वायरल हुए हैं तो अभी तक मैंने भी नहीं देखा कोई इस तरीके से वायरल हो, तो अपना कोई कारनामा भी हमें बता दें जरा। कारनामा फ्री में ही अब तो पैसे लगेंगे। चलें वो तो हम डील कर ही लेंगे, बिहाइंड द सीन हम डील करेंगे, लेकिन अभी आप बताएं कि कोई कारनामा बताएं, नाजरीन को भी दिखाएं, कोई करिश्मा कोई कारनामा कोई अजूबा। अभी सबसे पहले यही है कि मतलब कि ना कि ज़्यादातर मैंने बहुत दफ़ा देखा है, मैं खुद ही था पता, हम परेशान हो जाते थे अगर मुझे चोट लगे इससे भी चोट लग जाती है, फिर मार के भी मेरा हो जाता है, डॉक्टर के पास इकट्ठे जाते हैं, ठीक है। और ये चलो ये तो चीज़ होगी आमने सामने की, टेक्निक को हमने बड़ा धोखा दिया है, टेक्निक में आईफोन आ जाता है, बोर्ड वाले आ जाते हैं, बोर्ड वाले नादरा वाले आ जाते हैं, उनमें से मैं एक बताऊँगा वो भी फ्री में, ठीक है। क्या बात, आईफोन नादरा और लाहौर बोर्ड भी, लाहौर बोर्ड। अब ये देखिए आईफोन है, ठीक है, ये नाजरी मेरी देख रही है, ठीक है, इसको जो है ना लाग वगैरह लगा हुआ है, लाग लगा आईफोन को लगती है एक लाग, सबको पता जिनके पास उनको मालूम है, ठीक है, आईफोन को एक लाग लगता है। अब देखना मैं इसको लाग को खोल दिखाऊंगा, ये लाग खुल गया, ठीक है, ये रियलिटी यही है, नहीं समझना, ठीक है। अब मैं जो इसको लाग करने लगा हूँ ये देखना, आप लाग हो गया, ये देखे सब देख रहे हैं लाग हो गया, अब ये भाई करेगा क्या बात ये करिश्मा आईफोन को भी धोखा दे दिया, आईफोन का जो फेस लॉक है वो फेल हो चुका है, तो ये आईफोन वालों को अपडेट करना पड़ेगा और ये अपडेट होनी भी चाहिए। तो ये तो दो ट्विंस हैं, ये तो जमजम वाले ऐसे फैन थे, ये वो सारा फेक है। अब ये असल चीज ये हमारे पास है कि हमने आईफोन को कुछ भी नहीं समझा, ये तो वैसे मैंने पास रखा है डेफिनेटली। वैसे अगर एक बात है, आप लोगों की कभी लड़ाई हुई है आपस में? हम जज्बाती बोल रहे हैं, जज्बाती है ना, असल में हमने चेक करवाया था किसी को ना, जो भी समझ ले उसने कहा था हमें कि आप लकी भी बहुत हैं और आप दोनों में, अभी ट्विंस में होता है कि दोनों इकट्ठा गुस्से में आते हैं जोश में आते हैं, ये अपनी मनवा के रहते हैं मैं अपनी मनवा के रहता हूँ, ठीक है, लेकिन ये कि कभी कभी प्यार भी बहुत ज़्यादा बढ़ने, अल्लाह का शुक्र है। हम यही सोचते हैं कि एक साथ आए हैं तो क्या एक दूसरे का फर्क क्या रखना। मैं ये बात बताना चाहता हूँ लेकिन मैं कहता जब मैं काफ़ी हो जाऊँ मैं अब, लेकिन मैं बता देता हूँ शायद ये लोगों को बहुत पसंद आए, मैं कभी कभी अल्लाह के अगर आगे रो होगा ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह अगर पैदा इकट्ठा किया ना तो समझ लें मौत में इकट्ठी दे, नहीं बर्दाश्त होता एक सारी उम्र पैदा होना, सारी उम्र गुजारना, फिर अचानक एकदम जुदाई, कसम से मुझे मेरे कभी कभी सोचता हूँ अपने अल्लाह से दुआ। अब ये आपको रियलाइज़ होता है, फील होता है कि अगर कभी जिंदगी का साथ ख़त्म होता है तो आप लोगों का साथ भी ख़त्म इकट्ठे ही हो, इकट्ठे होना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। अब अल्लाह जानता है, अल्लाह ने लिखी हुई है, लेकिन मेरा ये दिल की दुआ है कि हम इकट्ठे ही, देखे पैदा इकट्ठे हुए हैं मौत भी इकट्ठे, जिंदगी का एक अनोखा ही कपल है। अब भैया बीवी नहीं बाकी बड़ा प्यार है तो कपल नहीं पेयर कहें इसको, कपल वाकई में थोड़ा वो गलत तरफ चले जाएंगे नाजरीन, वो समझेंगे लड़के कुछ और ही है। नहीं वो क्योंकि हम सोते ही था ना। तो आप लोग जब तैयार शेयर होते हैं तो कंघे शंघे भी एक रखी हुई है, हेयर बुश वगैरह एक रखे हुए हैं या वो भी अलग अलग हैं या कोई एक ही है? अच्छा, गरीब बंदे हैं ड्रेस नहीं, हम शुरू से ये करते हैं ड्रेस में हमारी, ये जितने कपड़े हमारे एक पड़े हैं।
चलें अब हम थोड़ा आगे की फ्यूचर प्लानिंग शुरू करते हैं जी। फ्यूचर प्लानिंग में हम जाएंगे सबसे पहले तो शादी की तरफ जाएंगे। डेफिनेटली करियर बन गया, मुश्किल टाइम गुजार लिया, आगे घर वालों को सरप्राइज देने वाला, तो उसके बाद डेफिनेटली शादी है। तो शादी का क्या सीन होने वाला है? कोई जुड़वा लड़कियों से शादी करेंगे या अपनी अपनी कोई लव मैरिज, कोई लव वाला सीन चल रहा है आप लोगों का? देखिए सबसे ज़्यादा ना हमसे ये सवाल पूछा जाता है शादी वाला, लेकिन जो आप बुलाते हैं वो भाग जाती है, वो कहती है कर रही जुड़वा से तो फिर हमारा क्या फ़ायदा, इसे सिंगल लड़के का दिल टूटता है ना, तो लेकिन दिल की बात है कि इंशाल्लाह हम जुड़वा से ही करेंगे। अच्छा जी, मतलब जुड़वा है, जुड़वा से शादी करेंगे, तो कोई है नज़र में या मैं कह दूँ किसी को? नहीं आप तो लाइन लगी हुई है, मैं कहता हूँ मेरे से रिप्लाई नहीं किया था, यकीन करें पहले बहुत से रिश्तेदार थे, वो कहते थे कौन देगा, क्या करोगे, कैसे ही रहोगे, तो अब मैं ये कहता हूँ कि लाइन लगी हुई है। वैसे जुड़वा लड़की शादी करना वाकई में खतरे वाली बात है, उनके लिए भी और इनके लिए भी। दिल की बात है ना कि जैसे सिस्ट्रोलॉजी चैनल बना कैसनोलॉजी, हम कहते हैं हमारा चैनल ट्विनसोलॉजी हो। ट्विनसोलॉजी तो बन जाएगा, लेकिन मुझे ये बताएं कि सबको हैंडल कैसे किया जाएगा, वो कैसे देखेगी कि ये बंदा मेरा है, मेरा कौन है, ये मेरा बंदा है, आप लोग कैसे देखेंगे कि ये बंदी मेरी है, वो बंदी मेरी है? लड़कियां बहुत तेज होती है, वो देख लेगी। नहीं नहीं, कहने की बातें, किसी ने जुड़वा मूवी भी देखी होगी, तो जुड़वा मूवी में भी ऐसे ही होता है, वो एक कमरे से निकल के दूसरे कमरे में जा रही है, वहां से निकल के वहां जा रही है। नहीं बहुत ज्यादा डीप हो जाता है, लेकिन हम कर लेंगे कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन आप लोग कुछ ना कुछ वाकई में करना पड़ेगा। हाँ नहीं, अलहदा तो हो नहीं सकते, इकट्ठे रहेंगे। अलहदा नहीं हो सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम ये तो है कि आप लोग सेपरेट लड़की से शादी करें, तो कम से कम आप लोग तो फर्क उसमें देख सके ना। अब ये मेरी मामा की ख्वाहिश है, पहचान ही होगी हमारी, उन्हें पहचान ही होगी, तो अब मामा की ख्वाहिश है, मामा की ख्वाहिश पूरी करेंगे इंशाल्लाह। चलें जी, मुश्किल काम करने जा रहे हैं, आगे भी मुश्किल इरादे थे जो उन्होंने पूरे कर लिए हैं, और अब मजीद जो आगे इरादा किया है वो भी खासा मुश्किल है, तो देखते हैं कि आगे आप लोगों का क्या बनता है। अल्लाह ताला आप लोगों के हक में बेहतर करे, और आप लोगों की जुड़वा से शादी होती है हो जाए, आप लोगों की दुआ कबूल हो, आमीन। तो जाते हुए नाज़रीन को क्या कहना चाहेंगे? नाज़रीन से यही कहेंगे कि सपोर्ट करें हमें, ठीक है, लाइक फॉलो करें, अंगूठा चाटे जैसे कहते हैं, ठीक है, और बाकी लव यू हो गया, हमारे प्रैंक बात किया थोड़ा सा कर लें। और आप ये बताएं कि आप लोगों की अर्निंग का क्या सिलसिला है, कौन कौन से आप लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं अपनी अर्निंग के लिए? वो सिक्योरिटी का बुला लेना, ठीक है, जा रहे हैं खैर सी पहुँच जाए। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा कि आप लोग कितना कमाते हैं, ये पूछना चाह रहा हूँ कि उनको भी बताएं कि वो लोग भी सीखें अर्निंग किस तरीके से करनी है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म थे जो आपको इस वक्त अच्छी अर्निंग दे रहे हैं? जी सबसे पहले तो देखें ना, दिल लगी होनी चाहिए, मेहनत, बंदा मेहनत करता रहे ना, आज यहाँ पे हम मौजूद हैं, हमें पता नहीं था हम क्या आएंगे, कब आएंगे, आना भी है नहीं आना, लेकिन मेरे अल्लाह ने हमारी मेहनत ज़ाया नहीं की। मैं अपने देखने वालों से भी कहूँगा कि आप भी मेहनत करें, जहाँ पे हम, मैं कल को इंशाल्लाह ये लोग होंगे। और अर्निंग प्लेटफॉर्म यही है कि सबसे पहले तो हमें यूट्यूब ब्रांड, इंशाल्लाह वो पूरा हमारा ड्रीम है, उसके बाद हम टिकटॉक लाइव बैठते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं। मेरे एक दोस्त से हमने मशवरा दिया है और मैंने इन्वेस्टमेंट की है, आप देखते हैं कि क्या निकलता है, मनी एक्सचेंज कितना निकलता है इंशाल्लाह। सोशल मीडिया तो सोशल मीडिया, आगे तो क्रिप्टो भी पहुँच गए, देखा। अब जब पता इस फील्ड में पहुँचता है ना, आम लोगों को नहीं पता कि क्या हिसाब है, मैं पूछो मैंने देखा यार इतना पैसा हम भी करें, तो बाकी इसमें रिस्पॉन्स है, लोग करें इंशाल्लाह, उनके भी हालात बदलेंगे और अल्लाह पाक सब कर्म करेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी तो नेक तमन्नाओं के साथ हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अगली बार हाजिर होंगे एक नई स्टोरी के साथ और एक नए पैगाम के साथ।